नमस्कार, मैं देवल जायसवाल। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। जिस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे, वो चीज़ का नाम है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है बांसुरी, जिसे हम सदियों से जानते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है इस बांसुरी में। और जिन्होंने ये बांसुरी जो वाद्य है उसमें कुछ नया करने का प्रयास किया है, उनका नाम है श्री पार्थ सरकार। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ नया है इस बांसुरी में, क्या कुछ डिफरेंट है, क्या कुछ इनोवेटिव उन्होंने बनाया है। तो आइए चलते हैं सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अलाउ किया आपके ये नए इन्वेंशन के बारे में जानने के लिए। आप बता सकते हो कि आपने मतलब ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैं 2016 में पहली बार मैं गुजरात में आया। पहले उससे पहले मैं कोलकाता में रहता था। कोलकाता आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में मैं रिसर्चर था, एज अ रिसर्चर। एंड जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मेरा काफी सारे बांसुरी फट गए। तब मैंने सोचा ये क्यों फट रहा है, मतलब पहले भी फटा था, चलो एक दो ठीक है, लेकिन ये तो लगातार 3-4-5-6 इन द प्रोग्राम आल्सो 2-3 फट गया। तो मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाल अच्छे से मैंने उसको सोचा था। फिर मैंने देखा कि यहाँ का जो वेदर है काफी ड्राई है कंपेरेटिवली टू कोलकाता। okay. तो वहाँ पे और आसाम की तुलना में तो बहुत ज्यादा ही ड्राई है। वहाँ पे तो काफी सारी बारिश होती है। तो मैंने देखा कि एक बांस में जो एक पानी तत्व होता है यहाँ नहीं मिल रहा है, स्पेशली आई एम सेइंग इन विंटर सीजन। नॉर्मल तो ठीक है, चलो जब मॉनसून होता है तब तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है तो उसमें वो तत्व नहीं मिलता, वो पूरा खींच जाता है वेदर, उसको उससे निकाल देता है। और जब वो चीज निकाल देता है ना, तो फिर उस वो बांस के जो फाइबर्स है ना उसको सहन नहीं कर पाते, वो कंट्रास्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और उसका वॉल उसका प्रेशर रख नहीं पाता। ये मैंने काफी हद तक उसको रिसर्च करके तो उस वॉल उसका प्रेशर रख नहीं पाता जिसके कारण वो फट जाते हैं। तो मैंने सोचा तब कि ऐसा क्यों ना ऐसा कुछ बांसुरी बनाया जाए जिसमें टोन तो वही रहे लेकिन हमारे जो जितने भी डिसएडवांटेजेस है अच्छा निकल जाए। अभी जो मटेरियल है उस मटेरियल का नाम है कार्बन फाइबर। ओके। तो कार्बन फाइबर एक ऐसा फाइबर है जिसको स्पेशली एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स में यूज किया जाता है। ओके। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, लोहे से बहुत लाइट होता है, करीब करीब 10 times लाइटर देन आयरन बट 4 times स्ट्रॉन्गर देन आयरन। ओके। सर ने हमें अभी तक बांसुरी नहीं दिखाई है, तो आइए सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अब हमें बांसुरी के दर्शन करवाए जो उनकी बनाई हुई है। श्योर। फिलहाल ये मोर पिंच का है। ओके। डिजाइन्स में है, आप देख सकते हैं। श्योर। ओके। तो मतलब ये आपने टोटली कस्टमाइज करके बनाया ये? है, ये कस्टमाइज करके बनाया। ये नॉर्मल बांसुरी की तरह नहीं लग रहा है? नहीं, ये नॉर्मली आपने देखा बाहर हमने डेमो दिया जो ब्लैक कलर का था वो नॉर्मली ब्लैक ही होता है कार्बन फाइबर। लेकिन ये कस्टमाइजली मैंने बनाया है ताकि उसमें हमको सुंदरता भी मिले इसीलिए। और इसमें और एक खासियत है, मैं जो बोलना भूल गया, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं है इन दैट सेंस, जैसे बांस के बांसुरी में काफी मेंटेन करना पड़ता है कि उसको तेल देना पड़ता है। कुछ लोग शायद बोल सकते हैं कि उसमें कोई तेल देना नहीं पड़ता, क्यों देना पड़ता है। हाँ, दैट्स लोग पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं चूंकि मैं 30 साल से बजा रहा हूँ, मैंने देखा है कि क्या अब बांस चूंकि आसाम एंड केरला जहाँ बारिश ज्यादा होते हैं वहां से आता है, फिर आने के बाद जब दूसरे जगह में चले जाते हैं जैसे जहाँ पे बहुत ड्राई होता है उसमें वो पानी तत्व नहीं रहता, पानी तत्व तो खींचे गए। ठीक है ना, अब जब वो पानी तत्व खींच जाएगा आइदर फटने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं और आइदर हिसिंग साउंड बहुत करते हैं। तो अब पानी तो हम उसको दे नहीं सकते, तो उसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, तेल लेते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, जॉनसन बेबी ऑयल हो गया, जो बहुत लाइट होता है, लाइट ऑयल ही देना पड़ता है ताकि वो
उसको सोक कर ले। ओके, ये कम्प्लीटली आपका प्रोडक्ट मेंटेनेंस फ्री है। मेंटेनेंस फ्री है कि आज लिया, हाँ कभी कभार धो लिया तो अलग बात है, ये पर्सनल मैटर है। लेकिन उसमें कोई अलग से इसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो तेल दो, ये दो, वो सब नहीं। तो मतलब इसको हम क्लीन कर सकते हैं? हाँ, क्लीन कर सकते हैं, पानी में लेके, सर्फ के पानी में डाल के या शैम्पू के पानी में डाल के, डंडे में कपड़ा डाल के साफ कर लो, दैट्स ओके। हाँ, लेकिन हार्ड चीज से नहीं, ऑब्वियसली खराब, क्योंकि इसमें जो टेक्सचर बनाया है वो पूरा खराब हो जाएगा। ये जो मैंने टेक्सचर बनाया है ये पूरा कस्टमाइज है फिलहाल, ये तो मैंने दो तीन कस्टमाइज रखा है, ये एक है, फिर और एक इस तरीके का है टेक्सचर, और एक बांस का भी है, डिजाइन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके का बांस का जो डिटो लगेगा बांस के जैसे ही दिखेगा, इस तरीके का टेक्सचर भी रखा है। और मैंने और एक चीज रखा है फुल्ली कस्टमाइज, कि किसी को अगर उसका जो चीज चाहिए जैसा बनाना है अच्छा उस तरीके का चीज हो बना सकता है। हाँ, उसके लिए स्पेशल कॉस्टिंग्स एंड एवरीथिंग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पर्सनल वाइज हम बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो भी है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो भी लेगा उसके जिंदगी में और कभी बांसुरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर ई-स्केल लिया, ई-स्केल का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई अगर अपने हिसाब से दो तीन रखना चाहता है वो तो अलग मैटर है, लेकिन अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन दिस इज द बेस्ट। ओके, ऐसे तो कलर का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर 8-10 साल में या 12 साल में अगर कुछ होता भी है तो ये चेंजेबल है, कोई कॉस नहीं लगेगा, या कुछ लगेगा तो लमसम लगेगा हल्का फुल्का, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस बांसुरी, के ये आपको एक ही बार लेना पड़ेगा और सालों पीढ़ियों तक चल सकता है। और ये काफी हीट प्रूफ भी है, क्योंकि इसमें मैंने करीब करीब 2000 डिग्री सेल्सियस देने की कोशिश किया था जब मैं होल बनाने वाला था, लेकिन ये कुछ हिला भी नहीं। तो दैट सिंपली मींस के इसको वेदर एज वेल एज हीट प्रूफ, मतलब कुछ भी गर्मी हो सर्दी हो, अगर घर में अगर पड़ा है, अगर बाई चांस भगवान ना करे किसी के घर में आग भी लग जाए तो इसको कुछ नहीं होगा। इसमें और एक खासियत है कि एंटी फंगल। नॉर्मली के बांस के बांसुरी में क्या होता है, जब बहुत बारिश होती है या कोई देश है जिस देश में बहुत ज्यादा बारिश होती है उसमें क्या होता है, इसे होल्स वगैरह में फंगस पर आ जाता है। तो जितना मुझे मालूम है काफी लोगों को इस फंगस से एलर्जी है, इसमें ये फंगस वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये कार्बन का बनाया हुआ है तो उसमें कुछ, और मैंने इसमें काफी सारे प्रोसेस भी करके रखा है ये होल के साइड्स में, तो जिसके कारण वो फंगस आ भी नहीं सकता, इस जगह में तो नहीं आ सकता और अंदर भी नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ कार्बन, ये एंटी फंगल है। तो अभी और हम जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या क्या खूबियां है और क्या खासियत है। नॉर्मली हर बांसुरी का जो फ्रीक्वेंसी, या मैं सिर्फ बांसुरी का नहीं, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी में पूरा वर्ल्ड ट्यून करता है, और वो फ्रीक्वेंसी 440 फ्रीक्वेंसी। तो 440 हर्ट्ज में जब हम बांसुरी ट्यून करते हैं, लेकिन एक साल के बाद या 6 महीने के बाद, बांस की बांसुरी की बात बोल रहा हूँ, कि बांस की बांसुरी के बाद आज मैंने 440 में लिया, लेकिन 6 महीने या 1 साल ज्यादा से ज्यादा, कभी कभी किसी का 2 साल के बाद वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, 440 में आज है लेकिन 2 साल के बाद वो 450 या 455 में होता है। दूसरी बात है कि बांस का बांसुरी में चूंकि ये श्रिंक होता है फिर वो खुलता भी है, ठीक है ना, इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है इसके वजह से क्या होता है, ठंडी में वो सिकुड़ जाता है, गर्मी में वो एक्सपांड हो जाता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेदर। तो वो जो भी वेदर इफेक्ट्स है हमारा इस बांसुरी में कुछ नहीं होगा। आज अगर 440 में है 25 साल के बाद वो 440 में रहेगा। एंड उसका और एक क्वालिटी है कि ये अनब्रेकेबल है, तो मैं उसके ऊपर भी कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हम अभी इसके एक्सपेरिमेंट करते हुए कितना स्ट्रांग है, ऐसे तो आप इसको 10वें माले से भी फेंक दो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये बांसुरी नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है जिससे ये बांसुरी बनता है वही प्रोडक्ट है। हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइव आपके सामने, ताकि आपको पता चले ये कितना स्ट्रांग है। आप देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं, अनब्रेकेबल है, कुछ नहीं हुआ है, और उसका साउंड भी करीब लोहे जैसा करता है, आपको लगेगा लोहा है लेकिन लोहा नहीं है, इससे कार्बन फाइबर।
सर थैंक यू सो मच, आपने काफी डिटेल में बताया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो उठ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल जो बाम्बू बांसुरी है तो उसमें जो सुदिंगनेस है, जो मिठास है ध्वनि में, तो क्या ये आपने जो इन्वेंशन किया है, जो आपने जो बांसुरी बनाया है, क्या वो उसमें भी है? तो अभी इसके ऊपर मैंने काफी सारे प्रोसेस भी किए हैं कि उसको टोन हमको कैसे मिले। ओके ठीक है, क्योंकि मेनली मेरा जो रिसर्च था कि सब चीज को हटाना नहीं है, उसके ऊपर क्या करना है, अपने को उसमें टोन भी लाना है उस चीज से। जब तक वो टोन नहीं लाएंगे तब तक मैं कितना भी ड्यूरेबल बना लो या कितना भी अच्छा बना लो, लोग क्यों लेंगे? हाँ। या मैं भी क्यों बजाऊं, कोई भी क्यों बजाएगा, क्योंकि अपने को तो वो टोन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें इतना मेहनत करने का क्या मतलब है? ओके। तो मैं सबसे पहले जो मेरा पूरा जो आज 3-4 साल से मैं रिसर्च कर रहा था, तो पूरा रिसर्च सबसे पहले मैंने जो दिया इसमें दिया टोन पे। और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बोर्ड में दिखा के कि ये कैसे स्पेशल है और मैंने जो सोचा है उसको कितना मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया है। नॉर्मली जो बास में एक छोटा सा इधर डिसएडवांटेजेस है, जो डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ निकाल दिए या मैंने निकाल दिया कि हमें ये प्रोडक्ट के वजह से ही निकल गया है। आप देख सकते हो कि नॉर्मली क्या होता है कि बास का जो वॉल होता है, सोच लीजिए ये वॉल है, उसमें ये जो ये हो गया फाइबर्स, ठीक है, इस फाइबर्स के बीच में थाउजेंड्स ऑफ पोर्स होते हैं। अच्छा, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे पोर्स होते हैं। अच्छा, तो दिखता नहीं है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो छोटे छोटे हाँ, होल्स होते ओके ओके ठीक है, उसके स्किन पे नहीं, उसके अंदर जो होता है ओके इनसाइड स्किन पे नहीं देखा ओके देखेगा अंदर। अब उसमें क्या, जब हम को कभी फूक मारते हैं, फूक मारने के बाद जब हम उसमें एंट्री होता है ये निकलता है, तो पोर्स के अंदर भी कुछ हद तक हवा अंदर जाता है और फिर वो निकलता है, क्योंकि राउंड शेप में जाता है तो जाएगा और आएगा, लेकिन जब अंदर जाता है और फिर निकलता है ना, इसमें काफी सारे हवा नष्ट हो जाते हैं, मतलब ताकत उसकी कम हो जाती है। अच्छा, वो स्पेशली कब दिखता है, जब वेदर डैम्प हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बारिश हो गई, अच्छा, बहुत ठंडा हो गया, तब क्या ना पोर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। वेदर जब हार्ड हो जाता है, जब गर्मी है ऐसा है, तो पोर्स उतना नहीं होता क्योंकि फाइबर्स कॉन्ट्रास्ट नहीं होता उसमें। ओके, मैं समझ गया। तो टेक्निकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो ड्राई वेदर रहता है तो ये जो नेचुरल होल्स है हाँ वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमको हवा जो जाता है वो उतना काटता नहीं है, तो आपको एक अच्छा साउंड मिलता है। ओके, लेकिन जैसे ही वेट वेदर आता है हाँ, तो फोर्स बड़े हो जाते हैं और उसमें हवा तो एंट्री जो होता है लेकिन काफी हद तक उसमें नष्ट भी हो जाते हैं, जिसके वजह से हमको उतना अच्छा साउंड नहीं मिलता। ओके ओके ठीक है ना, लेकिन कार्बन फाइबर में क्या होता है कि वो चीज नहीं होता। ओके, वो चाहे वेट सीजन हो, ड्राई सीजन हो, कुछ भी हो, उसमें कोई पोर्स है ही नहीं। अच्छा, तो जिसके वजह से क्या होता है, हवा तो एंट्री करता है और उतना ही पावर से वो नीचे भी आता है, फिर इतना ही पावर से ऊपर जाता है, इतने पावर से, तो उसका उसका पावर कभी घटता नहीं है। अच्छा, जिसके वजह से हमको कम फूक में भी अच्छा वॉल्यूम मिलता है। अच्छा, तो फिर बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया, बिगिनर्स के लिए बहुत ओके, अच्छा ओके। तो आपने ऑलमोस्ट सारी खूबियां, सारे एडवांटेजेस हमको बता दिए कि क्या क्या है इस बांसुरी में, क्यों कोई आपका बांसुरी परचेस करे। तो अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा हल्का सा बजा दे, ताकि हमारे व्यूअर्स को, सब लोगों को पता चले कि ये कितना सिमिलर है आवाज में, कितना। हाँ, श्योर श्योर। अभी मैं इनको बुलाया हूँ, इनका नाम है निखिल शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। तो ये बांस के बांसुरी लेके बैठे हैं, मैं कार्बन फाइबर का लेके बैठा हूँ। तो हम दोनों कोशिश करेंगे बजाने के लिए सेम फ्रेज, ताकि आप लोगों को समझ में आया कैसा है। Thank you.
एक्सचेंज कर दें, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और। ओके अच्छा बजाया आप दोनों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बात मुझे पूछनी है, ये आपने प्रोडक्ट बनाया तो उसका आपने कुछ नाम रखा है या तो आपकी कंपनी का कुछ नाम है फ्लूट मेकिंग का? हाँ, तो इससे मैंने इस प्रोडक्ट का नाम माई फ्लूट रखा है एंड इसी नाम से मैंने उसको पेटेंट भी किया है। कंपनी का नाम है क्लैफ है, क्लैफ कंपनी है एंड इसके अंदर में ये फ्लूट है। सर थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत बधाई हो अच्छे प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छा लगा कि आप आए और मुझसे इतना सारा आपने टाइम दिया और मुझे भी मौका दिया कि आपके साथ शेयर करूं। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट।